सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। हम आपको ये बताने आए हैं कि जो मेरे पीछे कटहल का पेड़ है, हम आपको ये दिखाने के लिए लेके आए हैं, और इस कटहल के पेड़ पे जो फल लगा हुआ है वो दिखाने के लिए लेके आए हैं। और आपके माइंड में कितना होता, कितने लोगों के माइंड में होता है कि कटहल की सब्जी जो हम खा लेते हैं वो कटहल होता क्या है? तो हम आपको ये दिखाने वाले दिखाने के लिए लेके आए कि कटहल कितना बड़ा होता है और कहाँ पे होता है, और मतलब वो कितना कितने दिनों के बाद वो पेट पे स्टोर आ जाता है। आप लोग के माइंड में ये नहीं होता होगा कि कटहल का सब्जी खा लिया, पेट के अंदर गया, फिर सुबह में आपको पता है ये जो होने वाला है। तो आपको जैसे कि हम ये पेड़ दिखाने के लिए लेके आए, तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये मेरे पीछे जो इतना बड़ा कटहल, इसमें लगभग 200 से 250 कटहल होता है, और मेरी साइज का होता है, मेरी हाइट लगभग 5 से 5.5 फीट है, उतना बड़ा कटहल होता है। और इसका मतलब ये मेरे पेड़ पे जो मेरा पीछे का पेड़ है, इसमें हम लोग जल्दी मतलब वो बेचने का काम वो सेलिंग वेलिंग का काम नहीं करते, घर पे ही सब खाना खा मतलब घर पे ही चाय बांटने का काम होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो हम आपको ये बताने वाले थे कि कटहल का पेड़ ज्यादातर जो इसका वो टहनी होता है उस पे ही होता है, और कहीं कहीं ये आप लोग देखे होंगे कि कटहल जमीन के अंदर भी होता है, और कहीं कहीं आप ये भी देखे होंगे कि कटहल जो होता है वो जो उसका तना है मोटा वाला वहां पे भी होता है कटहल। लेकिन हमारे यहाँ जो कटहल मतलब मेरे यहाँ जो कटहल वो उसके क्या नाम है कि टहनी पे होता है, और मतलब ये लगभग ज्यादा बड़ा होता है, मेरी साइज का हो जाता है, मतलब इसका कोई वो साइज का वो कोई वो नहीं है कि कितना बड़ा होगा, लेकिन बड़ा होता है कटहल। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ पे मतलब होता है हमारे यहाँ। चलिए, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। चलिए दिखाते हैं आपको। सो हे गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो ये कटहल है, यही अभी ये छोटा है, ये अभी मतलब 10 से 12 दिन का कटहल है, और ये लगभग 18 से 19 दिन में पूरा भरपूर साइज का हो जाता है और पेड़ से तोड़ने लायक हो जाता है। और मेरे यहाँ 2 कटहल का पेड़ है, एक यहाँ पे है, एक ये वाला पेड़ है, और एक जो मेरे पीछे दिख रहा है वो पेड़ है। इन दोनों पे लगभग एक पे ज्यादा होता है और एक पे कम होता है। तो जो ज्यादा वाला पेड़ है ये वाला है, और जो पीछे वाला पेड़ है उसमें कम होता है, क्योंकि वो बहुत पुराना और ये मतलब अभी नया पेड़ है। तो आपको पता ही हो कि नए पेड़ पे ज्यादा वो फल लगता है, तो उसमें ज्यादा लगता है। तो आपको यही बस दिखाने के लिए मैं लेके आया था इस ब्लॉग में। तो अगर आपको अगर ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।